Students, today we have to learn about chemical symbols. Chemical symbol बेटा जैसा हमने elements पढ़े हैं, elements में आपको पता होना चाहिए carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, sulfur, iron, calcium, gold, silver, copper, zinc, all these are elements. और जैसे मैं इनके name ले रही हूँ, ये इनके सब ये name है और ये इनके फुल नेम है. तो केमिकल सिंबल्स जो हैं ये हर एलिमेंट का रिप्रेजेंट करने का वे है इन अ शॉर्ट वे. यानी केमिकल सिंबल इज़ अ सॉर्ट ऑफ केमिकल शॉर्ट हैंड रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. कि फुल नेम लिखने की बजाय उसका फर्स्ट नेम लेटर लिख दिया, या अगर फर्स्ट लेटर लिखा है तो वो कैपिटल होगा. फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल होगा. अगर टू है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर होगा. फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कार्बन है, कार्बन के लिए जो उसका सिंबल है वो सी, हाइड्रोजन के लिए एच, ऑक्सीजन के लिए ओ, सल्फर के लिए एस. क्लियर? और बाज़ एलिमेंट ऐसे हैं कि उनके फर्स्ट टू सिंबल्स ले लिए हैं. जैसे देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम का सिंबल सी ए एल सी आई यू एम, कैल्शियम, तो इसका सिंबल सी ए है. यानी फर्स्ट टू लेटर ले लिए, फर्स्ट उस केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर होगा. कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके सिंबल उनके लेटर नेम से ड्राइव किए गए हैं. फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन तो कॉमन नेम उसका आयरन है बट इट्स लेटर नेम इज़ फेरम. क्लियर? तो आयरन का जो सिंबल है एफ ई, सिंबल ऑफ आयरन इज़ एफ ई, दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम इट्स लेटर नेम फेरम. इसी तरह सोडियम का देखें आप, सोडियम हम से कहते हैं बट इट्स लेटर नेम इज़ नेट्रियम, उसका सिंबल एन ए एक्स, कैपिटल एन और स्मॉल ए. इसी तरह जो है सिल्वर, चांदी जिसको हम सिल्वर कहते हैं और इसका जो सिंबल है इट इज़ ए जी, ए जी इज़ ड्राइव फ्रॉम इट्स लेटर नेम अर्जेंटम. क्लियर? ऐसे ही गोल्ड का है ए यू है क्योंकि इसका लेटर नेम अरम है. ठीक, इसी तरह ये देखें बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं, मैग्नीशियम या जिंक वगैरह, इनके भी जो सिंबल हैं टू लेटर्स हैं. फर्स्ट लेटर तो उनके नेम का हमेशा फर्स्ट लेटर होगा और वो कैपिटल होगा. जैसे देखिए मैग्नीशियम में एम जी है, और जो सेकेंड लेटर है वो उसके नेम से कहीं से भी लिया जा सकता है. जैसे कैल्शियम में तो हमने देखा था ना फर्स्ट टू ले लिए थे, इस ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट टू ही हो. पहला लेटर जो होगा जो कैपिटल वो फर्स्ट लेटर होगा और सेकंड लेटर उसके नेम में से कहीं से भी लिया जा सकता है. जैसे जिंक है, जेड एन है. क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट सिंबल्स. नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले आप ज़रा ये देखें कि ये मैंने दो एटम्स के स्ट्रक्चर बनाए हैं. ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है और ये कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर है. कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में सिक्स प्रोटॉन और सिक्स ही न्यूट्रॉन है. देयर आर सिक्स प्रोटॉन एंड सिक्स न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स. क्लियर? ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पार्ट, और ये फर्स्ट शेल है. फर्स्ट शेल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और सेकंड शेल में बाकी चार इलेक्ट्रॉन उधर चले गए. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में और फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है. क्लियर? अब ये है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उसको हम उसका